This is Static Awareness Lecture of 18 to 21 March, which is prepared from Daily Current Affairs and the Hindu newspaper. This lecture is useful for every competitive examinations. Let's start. First point is World Happiness Report. World Happiness Report को 20 March को United Nations Sustainable Development Solutions Network ने publish किया. इस report में Norway को first position मिली और इस report से दो surprising news आई. पहली ये कि India की जो rank है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है और सेकंड ये यूएसए को टॉप 10 में भी प्लेस नहीं मिला, मींस यूएसए को 14th रैंक मिली. इस पूरी रिपोर्ट में 155 कंट्रीज को रैंक दी गई जिसमें इंडिया को 122 रैंक मिली. ओके तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे ये रिपोर्ट जो होती है प्रिपेयर की जाती है, जैसे इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा, अ लैक ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, गवर्नमेंट और बिजनेस में कितना करप्शन कम है, हाउ पीपल रेट सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट को लोगों ने कैसा रेट दिया हुआ है, पर्सनल फ्रीडम, उस कंट्री में पर्सनल फ्रीडम कितनी है. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बेस पे रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. तो इससे दो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपेयर हो सकते हैं, पहला ये कि किस कंट्री को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक मिली, तो उसका आंसर होगा नॉर्वे. सेकंड, इंडिया की क्या रैंक रही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो उसका आंसर होगा 122. ओके इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. 0 टू 10 के स्केल में नॉर्वे को 7.54 मार्क्स मिले, वही इंडिया को 4.315 मार्क्स मिले. बट जो सबसे शॉकिंग न्यूज है वो ये कि अफगानिस्तान को छोड़ के इंडिया को सभी सार्क देशों में सबसे अनहैप्पी कंट्री माना गया है. इवन पाकिस्तान को सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री माना गया है सभी सार्क नेशंस में. पाकिस्तान की जो रैंक है वो 80, नेपाल की 99, भूटान की 97, बांग्लादेश की 110 और श्रीलंका की 120 एंड इंडिया की 122. इवन ब्रिक्स कंट्रीज में भी इंडिया को सबसे अनहैप्पी कंट्री माना गया है, लाइक ब्राजील की 17 रैंक है, रशिया की 56, चाइना की 79, यहाँ भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, चाइना की 79 है, पाकिस्तान की 80 है, साउथ अफ्रीका 116 और इंडिया की 122. ओके सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इज इंडिया सैडर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. वी मे बी सेलिब्रेटिंग वेरियस विक्ट्रीज इन आवर सिटीज फॉर डिफरेंट रीजंस, बट एज अ होल इंडिया हैज बीन लिस्टेड एज अ वन ऑफ द अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इन फैक्ट स्टैटिक्स शोज वी आर अनहैप्पियर देन एवर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी. नाउ मूव टू नेक्स्ट. सो सार्क कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है, इसको लर्न करने की ट्रिक है एमबीबीएस पे. ठीक है तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया एंड एन फॉर नेपाल. ओके सो टोटल 8 सार्क कंट्रीज है और इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, एमबीबीएस पे. तो आप इसको हमेशा ऐसे याद रखेंगे. नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस. ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई. ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री जो भी सप्लाई और डिमांड के इश्यू फेस कर रही है उसको इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया और इसकी थीम रखी गई माइंस टू मार्केट 2017. तो यहां से दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. पहला ये कि द इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस कहां पे हेल्ड हुई, तो उसका आंसर होगा मुंबई. सेकंड, इसकी थीम क्या रखी गई, तो उसका आंसर होगा माइंस टू मार्केट 2017. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम रखी गई फॉरेस्ट एंड एनर्जी. तो यहां से दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. पहला ये कि 21 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका आंसर होगा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम क्या रखी गई, तो उसका आंसर है फॉरेस्ट एंड एनर्जी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस न्यूज से फ्रेम हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाईकोर्ट. जस्टिस लवनीधि प्रसाद सिंह को सिलेक्ट करा गया केरला हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाईकोर्ट कौन है, तो उसका आंसर होगा जस्टिस नवनीधि प्रसाद सिंह. ओके इसके अलावा केरला के अबाउट कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है पी सदाशिवम. ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि गवर्नर सीएम भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्ब्स ने वर्ल्ड बिलियनर्स की लिस्ट पब्लिश की है, जिस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने टॉप करा है. इसमें टोटल 101 इंडियंस को प्लेस मिला जिसमें 30 न्यू कमर्स है. ओके इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी ने इस लिस्ट में टॉप करा है, जिनकी रैंक है 23 पूरी ओवरऑल लिस्ट में. मींस फर्स्ट रैंक मिली है बिल गेट्स को और 23 रैंक मिली है मुकेश अंबानी को. इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी ने इसमें टॉप करा है. इंडिया की तरफ से इसके बाद है लक्ष्मी मित्तल जिनकी रैंक है 56, फिर है अजीम प्रेम जी जिनकी रैंक है 72. ओके सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में किसने टॉप करा है, तो उसका आंसर होगा बिल गेट्स ने. नेक्स्ट न्यूज में स्टेडियम आया है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो हैदराबाद इंडिया में है. तो यहां से ये पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या होगा, हैदराबाद. ओके सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर गेम रखा है जो आप आगे सुन लीजिएगा, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी सारी वीडियोज आए, आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो. एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए.
एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, हैव अ वेरी नाइस डे। ओके, सो हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर गेम रखा है। इस क्वेश्चन आंसर गेम में जो भी फर्स्ट टेन स्टूडेंट्स हमें इन दो क्वेश्चन के राइट आंसर देंगे, हम वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उनके नाम पिन कर देंगे। ओके, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन रिसेंट न्यूज से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है वेयर इज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम लोकेटेड, सेकेंड है वेयर इज बैलेरी थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड। ये दोनों रिसेंट न्यूज में आए हैं। सो जो भी फर्स्ट टेन स्टूडेंट्स इसके राइट आंसर देंगे हम उनके नाम पिन कर देंगे। ओके,